पे हमने ये BL-49 लाइट वापस की थी रिप्लेसमेंट में, तो आ गया अभी फ़ोन कर रहा है और चलते हैं वही उससे लाइट लेते हैं। कहाँ कभी जलती है कभी बंद हो जाती है, ये खास चीज़ है मतलब लाइट है व्लॉगिंग के लिए, इस पर कैमरा पर लगा के अंधेरे में लाइट काम करती है। भाई लाइट हो गई एक्सचेंज, भाई लेके चलो भाई, देखिए ये आ गई हमारी लाइट एक्सचेंज होके, तो इसकी करते हैं अनबॉक्सिंग, देखते हैं कैसा क्या माल टाले इसमें। बोलिए भाई सतपाल जी, ये देखिए इसके साथ सी टाइप केबल है और ये जाने पता नहीं क्या है, तम्बाकू जैसी पुड़िया। चलो भाई आज इसे टेस्ट करते हैं, क्योंकि उसका हमने स्क्रू भी मंगा लिया है, कल आ गया है, तो पूरी सेटिंग बनाते हैं इसे। देखिए भाई हम इसे पूरा सेटअप तैयार कर लेते हैं, अभी जो लांजी की लाइट मंगाई है उसे देखो, और अभी इसका पूरा सेटअप बनाते हैं, निकाल लेते हैं इसका माउंट सेल्फी स्टिक का, गोरिल्ला ट्राइपॉड पे से हमने सेट कर लिया है। अब इस पर करते हैं, एक ये हमने पैकेज मंगाया है एक और, इसमें क्या है एक स्क्रू है बस छोटा सा, ये भी 150 रुपीज़ का आया भाई, उसे खोल के ओपन करके देखते हैं। देखिए भाई ये दोनों तरफ का, अब ये क्यों मंगाया है, ये मंगाया है इसके लिए, इसमें कसने के लिए, कस जाएगा तो, हाँ भाई कस तो गया, ये कस गया इसमें, और एक तरफ कसना पड़ेगा हम इस लाइट में, ये सेट करना पड़ेगा इस तरह से ब्लॉगिंग के लिए, ऊपर से आप लग जाओगे भाई कैमरा जी। भाई चल दिए हम गांव में, ओके को करते हैं स्टार्ट और फिर चलते हैं। सब जी आए हुए हैं, देखिए भाई गाड़ी भाड़ी रख के ये हो गए पूरे महात्मा, इनके भाई हैं भाई हमारे, भाई सुखावास से चल के हमसे मिलने आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका यादव जी। यादव जी और ये कहाँ जा रहे हैं माला वाला डाल के, जा रहे हैं आगरा श्याम बाबा इधर से, मम्मी व्रत हैं तो उन्होंने के लिए कुछ फल लेके दे जा रहे हैं। देखिए भाई हमारे यहाँ आ गए कुछ मेहमान, देखिए पहचानी, ये हैं देहरादून वाली टीका, ये देहरादून के यात्री आ चुके हैं भैया, स्कूल खुल गए और मम्मी कर रही भाई पूजा, बच्चों का स्कूल खुल गया भाई जाना पड़ेगा, और मसूरी में बर्फ गिरेगी तो हम भी आएंगे। एक बार फिर हम आ चुके हैं खेतों पर, देखिए भाई चारों तरफ हरियाली, देखिए भाई आलूओं में लग रहा कीटनाशक, और आजकल लोग कीटनाशक खा खा के कीटनाशक जैसे होते जा रहे हैं, तो देखिए भाई ये देखिए भाई देखो किसान लोग कैसे कैसे कीटनाशक लगा रहे हैं, ठीक है ये है देखिए असली किसान कीटनाशक वाले प्रधान जी, ये लोगों की जिंदगी से खेल रहे हैं, लोगों को जहर खिला रहे हैं जहर, पर ये चलो बाहर ही बेच देते हैं, हमें नहीं खिलाते, बाहर ही बाहर खाओ, पर भाई किसी को भी मारना नहीं है, वो तो वैसी दवाई है, सब ऑर्गेनिक दवाई है, एक भी इंग्लिश दवाई नहीं है इसमें, सब सब ऑर्गेनिक लगाते हैं हम। कागा देखा था तू है भाई, ठीक है पंडारी बाथम बन जा रही है। देखिए भाई गांव की जिंदगी का असली मजा तो ये है, देखिए चारों तरफ हरियाली मिलेगी आपको, और यहाँ शाम होते ही अज्ञाना जलना शुरू हो जाता है, देख कितनी तेज आग जल रही है, हमारे प्रधान जी तापने में लगे हुए हैं, और प्रधान जी कैसा मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है ठंड का। हाँ भतीजे पप्पू सिंह ये भले ही बूढ़े हो गए लेकिन भतीजे तो भतीजे ही रहेंगे, हमारे बाबा जी आए हुए हैं आज बड़े दिनों बाद हमें दिखाई दिए, देखिए हाँ गंगा सागर होके आए हैं, बाबा कैसा लगा गंगा सागर, बहुत बढ़िया लगा, बहुत अनुभव, हाँ बहुत अनुभव अच्छा, और सारे तीर्थ बार बार गंगा सागर, हाँ जिंदगी में एक न एक बार गंगा सागर जरूर जाना चाहिए, सारे तीर्थ की जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी भाई, और वो हमारे बाबा होके आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद बाबा का जो अपनी सात पुस्तें तर जाती हैं इससे। काम हो चुकी है पूरी तरह से, और यहाँ देखिए हरे भरे खेत, और ढलते हुए सूरज को देखिए कितना अच्छा लग रहा है भाई, ढलता हुआ सूरज देख बड़ा करके दिखाते हैं आपको, ये देखिए भाई है जबरदस्त। भतीजे किशन सिंह जी चौधरी
लेटे हुए हैं, आराम कर रहे हैं शाम के मौसम में, और देखो आग जला के ताप भी लिए, अब देखो आराम फरमा रहे हैं। हाँ जी, और किशन अंकल जी, अंकल आलू कैसे हैं भाई? किशन सिंह जी तुम्हारे बढ़िया? खूब अच्छे हैं अंकल जी, भगवान की कृपा से सब तो फसल अच्छी है। शाम का हो गया बहुत लेट टाइम, तो इसलिए अंधेरा हो गया, अब ग्लव्स वगैरह पहन लिए, ठंड में बहुत ठंड है, चलने में तो बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, तो इसलिए अब घर जाके मिलते हैं आपसे। लेकिन आलू ले आए खेतों से ताज़ी ताज़ी उखाड़ के। भाई हम लेने जा रहे हैं सब्जी मंडी से सब्जी और कुछ डेली यूज परचूनी का सामान, चलते हैं भाई। भाई हम आ गए शॉपिंग करने स्मार्ट पॉइंट पर, तो सामने दिख रहा हो आपको स्मार्ट पॉइंट, अब कुछ सामान वामान खरीदते हैं यहाँ से, ट्रॉली ले लेते हैं बड़ी सी एक। भाई कुछ सामान वामान ले रहे हैं, चीनी वीनी चाय पत्ती, देखते हैं भाई क्या क्या मिल रहा है यहाँ पर। देखिए भाई बहुत सारा सामान है, लेकिन मुझे अकेले समय में नहीं आता, मैडम आज आई नहीं है, अब मैं देख रहा हूँ अपने हिसाब से जो मिल जाए वो ले लेता हूँ, मेरी तो कुछ समय में नहीं आता। हमने रिलायंस स्टोर से सारा सामान ले लिया है, भाई हमारी बहुत हेल्प कर रहे हैं ये। और देखो इतना सारा सामान ले लिया, और भी ले रहे हैं सब्जी, वैसे तो मंडी से लेना चाह रहे थे लेकिन यहाँ ताज़ी बढ़िया सब्जी है तो यहाँ से ही ले लेते हैं। ठीक है भाई, सब्जी अच्छी है सस्ती है। सामान हमने निकाल लिया है भाई, इसका वेट कर रहे हैं, सारा सामान हमने ले लिया, कुछ और रह गया वो देख लेंगे। देखिए भाई रिलायंस स्टोर के हमारे सारे मेंबर्स लोग हैं, बहुत बड़ी हेल्प कर रहे हैं हमारी। हाँ ये तो हमारे बहुत पुराने भाई हैं, दोस्त समझ लो, है ना, तो हम ऐसे हम यहाँ आते हैं ज्यादातर, करा रहे हैं हम। संजय ये पहले बनाई थी मैंने वीडियो, अच्छा अच्छा याद है आपको? याद है सर, याद है। हाँ भाई ब्लिंक कर रहे हैं भाई, सामान डाली थी सर आपने? डाला भी था, हमारा वीडियो कोई देखता नहीं है, क्या करें। अरे नहीं चल इस बार मैं देखूंगा इस वीडियो को, डालना YouTube पे MD यादव सर्च कर लेना बस, MD यादव। हाँ देखो भाई बहुत हेल्पफुल है यहाँ का स्टाफ, इन्होंने हमारी बहुत मदद की है सामान लेने में, उन्हें दुकान पे तो लाइन लगाना पड़ता है घंटों, और कोई भी हेल्प नहीं करता यहाँ पे। अरे SLP साहब ये सामान रखना प्लीज, चालू करना एक बार। मैं कह रहा हूँ कोई बोरी हो तो दे दो यार, खाली पड़ी हो, पैसे लगा लिए और क्या, बोरी मिल जाएगी सर, मिल जाएगी, दे देना सर, कार्टून कार्टून देख लेंगे ऐसे भी साहब कहते तो कहेंगे क्यों नहीं। अरे रखवाएंगे सर का, रखवा यार। क्या नाम भाई आपका? राज नाम है मेरा। राज कौन से? शाहरुख खान वाले राज? राज कपूर वाले राज। अच्छा राज कपूर, ये भी इंडस्ट्री एरिया के इधर है। अच्छा चलो बढ़िया बढ़िया। रिलायंस स्मार्ट मार्ट से ले आए हम सामान, और उसके अलावा फिर गुड़ नहीं था वहाँ, बाकी सब सामान मिल गया, और वहाँ का भाई स्टाफ बहुत हेल्पफुल था, तो गुड़ ले आए हम यहाँ पे। चीनी तो है एकदम से जहर, हर व्यक्ति को सिर्फ गुड़ खाना चाहिए, आज के बाद तो हम चाय में भी गुड़ खाएंगे, वैसे सिर्फ चाय चीनी से बनाते थे। स्टोर से लाए थे वो सामान, ये रखा है, अभी बच्चों को भेजेंगे नीचे, वो लेके जाएंगे।